लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। शनिवार का दिन एबी डिविलियर्स के नाम था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के इस बल्लेबाज ने दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ ऐसी पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बेंगलोर के एम चिन्मयास्वामी स्टेडियम डी विलियर्स ने महज 39 गेंदों पर 5 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी पारी के दम पर बेंगलोर ने दिल्ली को 2 ओवर बाकी रहते हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की पारियों के दम पर 20 ओवर में 174 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन डिविलियर्स ने इस स्कोर को बौना साबित कर दिया। मैच के बाद डिविलियर्स ने कहा, यह उन दिनों में से था जब आपको गेंद अच्छी तरह नजर आती है। उन्होंने कहा, पिछले 2 मैचों में मैं गेंद की अच्छी तरह हिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज गेंद बल्ले पर ठीक आ रही थी। साउथ अफ्रीका के इस धाकड़ बल्लेबाज ने कहा कि वह गेंद को अच्छी तरह देख पा रहे थे, इसलिए उनके पास शॉट खेलने के लिए अतिरिक्त समय था। एबीडी के नाम से मशहूर दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि जब आप गेंदबाज पर हावी हो तो आपको पूरी तरह से अपने शॉट खेलने चाहिए। चिन्मयास्वामी स्टेडियम के दर्शक भी डिविलियर्स का काफी उत्साहवर्धक कर रहे थे। इस पर डिविलियर्स ने बेंगलुरु के दर्शकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दर्शक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मैदान पर खेलना काफी पसंद करते हैं।